पाकिस्तान का सेमीफाइनल के लिए फिर खुला एक रास्ता। मैच के साथ करना होगा एक काम। दक्षिण अफ्रीका से टीम इंडिया की हार के बाद आखिर अब पाकिस्तान कैसे पहुंचेगा सेमीफाइनल, ये 3 मिनट का वीडियो पूरा समीकरण आपके सामने खोलकर रख देगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा या खेल हो गया खत्म। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए मुकाबले में सबकी नजरें इसी मैच पर थी। खास तौर पर पाकिस्तान तो इसी मैच को देख रहा था। हर गेंद के साथ पाकिस्तान के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। ऐसा पहली बार ही हुआ कि टीम इंडिया की जीत की दुआएं पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका से हार गई। 5 विकेट से दक्षिण अफ्रीका ने नजदीकी मुकाबले में भारतीय टीम को रौंद दिया और अब पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त फेरबदल हो गया है। भारत की हार से पाकिस्तान की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान के पास सेमीफाइनल में पहुंचने का बस आखिरी रास्ता बचा है। वो रास्ता आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लीजिए। दक्षिण अफ्रीका 3 मैचों में से 2 मैच जीतकर 5 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर स्थापित हो गया है, तो वहीं भारतीय टीम 2 मैच जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गई है। वहीं बांग्लादेश की टीम भी 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से हराया था। इस पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल दिया। अब वो 4थे नंबर पर काबिज है और पाकिस्तान की बात करें तो 5वें नंबर पर मौजूद है। ऐसे में पाकिस्तान के पास अभी बस एक मौका है। हालांकि अपने मैचों में जीत के साथ पाकिस्तानी टीम को किस्मत का भी सहारा लेना पड़ेगा। आखिर किस तरह से पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में जा सकती है? दरअसल पाकिस्तान के पास अभी 2 मैच बाकी हैं, जो उसे एक दक्षिण अफ्रीका के साथ और दूसरा बांग्लादेश के साथ खेलना है, और दोनों ही मैचों में पाकिस्तान को जीत दर्ज करनी होगी। ये 2 जीत दर्ज करने के बाद पाकिस्तान को दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की हार की दुआएं करनी होंगी। पाकिस्तान की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होंगी। इसके बाद उसकी नजरें दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के मैच पर रहेगी, जिससे पाकिस्तान का सेमीफाइनल का रास्ता साफ होगा। अगर नीदरलैंड्स की टीम दक्षिण अफ्रीका को हरा देती है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, या फिर दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच ये मैच रद्द हो जाए तो भी पाकिस्तान की राहें खुली रहेंगी। इस तरीके से नेट रन के आधार पर टीम क्वालिफाई करेगी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बराबर पॉइंट हो जाएंगे। वहीं इस ग्रुप से टीम इंडिया का वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग अब तय हो गया है। टीम इंडिया को सिर्फ 1 जीत की दरकार है, और अगर भारतीय टीम जिम्बाब्वे या बांग्लादेश में से किसी एक को हरा देती है तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।